Welcome to Time News Studios. You are watching 8 PM Bulletin. आज शो का नोटिस भेज रहे हैं इनको जी, दूसरी जमात जी भेज रहे हैं जी। आज भेज रहे हैं जी। अच्छा, क्या मतन क्या है सर उसका? शो मतन क्या है सर उसका? मतन ये है कि ये आपने किया है। अच्छा, आपने हुकूमती बैंक से लोग लेकर आपने अपोजिशन लीडर की कुर्सी हासिल की है। ये पीडीएम के जो मंशूर है, जो बयानी है, उसके खिलाफ। अगर वो जवाब कोई तसली बख्श देते हैं तो उसको कोई गुंजाइश है या आप लोग फैसला कर चुके हैं कि उनको निकालना है? नहीं, मेरा फैसला नहीं है, पीडीएम का फैसला होगा। मेरा काम तो शोकॉज जारी करना। ऑपोजिशन इत्तेहाद ए पीडीएम की तहरीक के नुकसान पहुंचाने वालों कदम छो खो जवाब दियो। मौलाना फजल रहमान की मंजूरी से पीपल्स पार्टी ए एन पी के शोकॉज नोटिस जारी। 7 दिन अंदर जवाब तलब। शाहिद खाकान अब्बासी है तो पीपल्स पार्टी का वजाहत घुरी वही है तो उन छो बीएपी का वोट वरता। शाहिद खाकान अब्बासी पीपल्स पार्टी के फ्रंटली ऑपोजिशन जो तानो डींदे बिलावल भुट्टो जरदारी की तजवीज से तंज कयो तो जेकरे हुकूमत जा पंज मेंबर खणी वठूं तो हमजा शहबाज पंजाब जो वडो वजीर बणजी सके तो। पीडीएम नोटिस जारी कयो तो असा पंजाब चैप्टर जे सदर के नोटिस जारी कंदासी। पीपल्स पार्टी अगवान चौधरी मंजूर चयो है तो पुछंदासी तो सेनेट में नून लीग तहरीक इंसाफ सां गठजोड़ कंहिंजे चवण ते कयो? पंजाब में लॉन्ग मार्च की तैयारी छो न कई वई? ईंदड़ 2.5 साल में हकीकी कारकर्दगी आवाम के नजर ईंदी। महंगाई खिलाफ़ हुकूमत कदम खणी रही है। वजीर आजम इमरान खान चयो है तो करप्शन से का भी सौदेबाजी न कई वेंदी। सट्टा माफिया के बीहर उभरण न ॾींदासीं। हुकूमती तर्जुमान के इजलास दौरान वजीर आजम चयो तो खंड जो अघ तय करे छॾियो आहे। हुकूमत बुनियादी शयुन बाबत कानून साज़ी करे रही है। पार्टी अगवान महंगाई ते नज़र रखन। हथरादू महंगाई कंदड़न खिलाफ़ बिना फ़र्क़ के कार्रवाई कई वेंदी। वजीर आजम पारा रमजान शरीफ दौरान आवाम के भरपूर रिलीफ दियण की हिदायत। वफाकी घर वजीर शेख रशीद चवा है तो खाधे पीते जो शयन की सस्ते अघन की फ्राहमी यकीनी बनाई वेंदी। शेख रशीद चयो तो वजीर आजम ऑपोजिशन के नजरअंदाज करण जो चयो है। ऑपोजिशन हुकूमत लाए खतरो ना है। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी वीडियो स्कैंडल में जवाब जमा कराए छो। इलेक्शन कमीशन अली हैदर गिलानी की वायरल वीडियो में शामिल पीटीआई के बिन एमएनएस फहीम खान ए जमील अहमद के भी नोटिस जारी कर छड़ा। यूसुफ रजा गिलानी जवाब में चयो है तो जिन वीडियोज की बुनियाद से ना अहली की दरख्वास्त दाखिल कराई वही उण तस्दीक थियल हैं। ना अहली बाबत दरख्वास्त रद्द करण की इस्तदा। पीटीआई अगवान मलिका बुखारी चयो है तो ना अहल गिलानी के बीहर ना अहल करा ॾियारींदासीं। फरुख हबीब चयो त वोट जी विकिरो ऐं ख़रीदारी मामले खे मंतकी अंजाम ताईं पहुचाईंदासीं। सारसा, मेरी गुजारिश है कि आपके साथी तीनों को मैं एक्स्ट्रा सीट्स नहीं लगा सकता। जो जिस पार्टी की नुमाइंदगी है उसके मुताबिक जरूर देंगे। जिस तरह ट्रेजरी बेंचेस से मोहब्बत भरे तोहफे आए ऑपोजिशन की लीडर की तकर्री के लिए और एक और चैप्टर का आगाज हो गया। हमें अपनी बात करने की इजाजत। आप लोग तशरीफ रखें, बाद में दिलावर खान साहब बात कर लेंगे जी। आप तशरीफ रखें, तोहफा बहुत तशरीफ रखें, सैफ साहब तशरीफ रखें। बड़ा बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ तशरीफ रखें सब और पार्लिमानी लफ्ज़ है। आपको मौका देंगे, हाउस का माहौल खराब ना करें जनाब। तशरीफ रखें आप, तशरीफ रखें सेनेटर दिलावर खान साहब। मेरी गुजारिश है फैसल जावेद साहब और अब्दुल कादिर, आप जाके जो अपोजिशन के हमारे दोस्त हैं उनको मना के ले आए। सेनेट में ऑपोजिशन बिन हिस्सन में विरहाइजी वही। नवाज लीग के सेनेटर आजम नजीर तारड़ अलग ऑपोजिशन बेंचेस अलॉट करण की घुर करे छी। सेनेट में गुझियों कैमराज लगाने वाले मामले की जांच कराने जो भी मुतालबो। आजम नजीर तारड़ चयो तो यूसुफ रजा गिलानी के ऑपोजिशन लीडर बनाने लाए पंज तोहफा माणिया पाया। नवाज लीग सेनेटर के बयान से यूसुफ रजा गिलानी के हामी सेनेटर्स जो एहतजाज। बीएपी के सेनेटर्स के तोहफो सदन से हुकूमती मेंबर्स जो भी गोड़। दिलावर खान ग्रुप ऐवान में वॉकआउट करे वो। पीटीआई सेनेटर फैसल जावेद ऑपोजिशन के परचाए वरतो।
समूरी ओपोजिशन के घर खणी हलंदसि आवाम के रिलीफ ॾियण में हुकूमत के ॾुखियायूं थियूं त उनजो बि आवाज़ बणजंदासीं। सेनेट में ओपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गीलानी जो खिताब। यूसुफ रज़ा गीलानी चयो आहे त इख़्तिलाफ़ राय जमहूरीअ जो हुसन आहे, इहो न सोचणु घुरिजे त मुंहिंजे बारे में कंहिं छो ऐं छा ॻाल्हायो। आवाम जी तर्जुमानी असांजो फ़र्ज़ु आहे। मुल्क खे पेश आयल चैलेंजेस खे मुंहुं ॾियण लाइ गॾिजी कमु करणो पवंदो। मूंखे ॿुधायो वेंदो हो त सेनेट में सीनियर्स हूंदा आहिनि, ऐं त हिते रुगो नौजवान पियो ॾिसां। यूसुफ रज़ा गीलानी अहमद फराज़ जो शेर पढ़ंदे चयो त इहो शेर खेसि हुकूमती सेनेटर शिबली फराज़ ॿुधायो हो। नेशनल असेंबली में तो बहुत शौक है, इधर मुझे शो किया जाता था कि यहाँ ज्यादा एल्डरली लोग होते हैं, मगर मैं तो उलट देखा, यहाँ तो यंगस्टर ज्यादा है। शिबली फराज साहब ने एक शेर मुझे सुनाया, यूसुफ न थे मगर सरे बाजार आ गए, खुश फहमियाँ ये थी कि खरीदार आ गए, आवाज देकर छुप गई हर बार जिंदगी, हम ऐसे सादा दिल थे कि हर बार आ गए, अब दिल में हौसला न सकत बाजुओं में है कि अब के मुकाबले में मेरे यार आ गए। स्कूल बंद तो नहीं किया हमने, बच्चों की जो फिजिकल अटेंडेंस होती है उसको हमने रोका। ये बात तो फैक्ट है कि इस वक्त सुबह सिंध में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कोविड की वो सूरत हाल नहीं है जो पंजाब में है या खैबर पख्तूनख्वा में है। हुकूमत सिंध ने पिछले कई दिनों से फेडरल गवर्नमेंट को ये दरख्वास्त की हुई है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इंटरप्रोवेंशन उसको बंद किया जाए, जो ट्रेन हैं उसको बंद किया जाए, जो फ्लाइट्स हैं उसको बंद किया जाए, ताकि पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से जो यूके वेरिएंट इस कोविड का आया हुआ है जो ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है उससे हम अपने सूबे के लोगों को महफूज रख सकें, बचा सकें। लेकिन अभी तक वफाकी हुकूमत ने ये फैसला नहीं किया है। कई दिनों से जो शराय चल रही थी खासतौर पर कराची और हैदराबाद में उसमें इजाफा हो रहा है, ये नहीं है कि वो नीचे जा रही है। जितने भी इकदाम किए जा रहे हैं वो बहालत मजबूरी किए जा रहे हैं, हम एग्जाम्स के बगैर प्रमोट नहीं करेंगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अगर एग्जाम्स मार्च में होने थे तो मार्च में ही होंगे। अगर सूरत हाल ऐसी पैदा होती है कि जिसमें आपको कुछ महीने आगे जाना पड़ता है तो हम आगे चले जाएंगे। पंजाब ऐं खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस जी सूरत हाल ख़राबु आहे। सिंध खे वायरस खां बचाइण लाइ ॿिन्ही सूबनि मां शहरनि जी आमदरफ़्त रोकी वञे। सूबाई वज़ीर सईद गनी बेन सूबाई ट्रांसपोर्ट ट्रेन ऐं उॾामनि ते पाबंदी जो मुतालबो करे छॾियो। सईद गनी चयो त के पी ऐं पंजाब जी भेट में सिंध अंदरि कोरोना जी सूरत हाल बहितर आहे, पर पंजाब ऐं के पी जा माण्हू सिंध ईंदा रहिया त सूरत हाल ख़राबु थी सघे थी। कराची ऐं हैदराबाद में कोरोना जा केसिस घटिजण बदिरां वधी रहिया आहिनि। हुकूमत अठें दर्जे ताईं क्लासेस बंदि करण वारो फ़ैसिलो मजबूरी में कयो। हिन भेरे शागिर्दनि खे इम्तिहाननि बिना प्रोमोट न कयो वेंदो। इस्लामाबाद में छंछर ऐं आचर ते बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट बंदि रखण जो ऐलान। एनसीओसी जे फैसले तहत इंतजामिया नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो, भंजकड़ी कंदड़नि खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई कई वेंदी। कोरोना वैक्सीन मुफ़्त या असुल क़ीमत ते फ़राहम कई वञे। सेनेट में हुकूमत जी मुख़ालफ़त बावजूद कोरोना वैक्सीन बाबति ओपोज़िशन जो ठहराउ अक्सरियत सां मंज़ूर। ठहराउ जे JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा पेश कयो। हुकूमत जे 31 मेंबर्स मुख़ालफ़त ऐं ओपोज़िशन जे 43 सेनेटर्स ठहराउ जे हक़ में वोट ॾिना। पीपल्स पार्टी तरफ़ां सेनेट जा इख़्तियार वधाइण जो मुतालबो। सेनेटर रज़ा रब्बानी दस्तूर तरमीमी बिल 2021 पेश करे छॾियो। रज़ा रब्बानी चयो आहे त वॾनि वज़ीरनि खे सेनेट में ॻाल्हाइण जो इख़्तियार ॾिनो वञे। आमदनी खां वधीक असासनि वारे केस में जेलनि वारे सूबाई सलाहकार एजाज़ जखरानी समेत 13 जवाबदारनि ते फर्द जुर्म लाॻू। सखर जी एहतसाब अदालत में ॿुधणी दौरान जवाबदारनि तरफ़ां ॾोह मञण खां इनकार। अदालत 13 अप्रैल ते शाहिदनि खे तलब करे वरितो। केस में सरकारी ऑफिसर्स बि शामिल। एजाज़ जखरानी ते अॻु ई हिकु ॿिए रेफरेंस में फर्द जुर्म लाॻू थी चुको आहे। स्वाबी में क़तल थियल दहशतगर्दी टोड़ अदालत जे जज आफ़ताब आफरीदी ऐं संदसि टिनि घरभातियुनि जे जनाज़े नमाज़ अदा। पुलिस पिशावर ऐं खैबर मां 5 शकी जवाबदार गिरफ़्तार करे वरिता। DPO जो चवणु आहे त FIR में शामिल 2 गाॾियूं।
हैदराबाद भरसा फाहो लगल हालत में मिलियल जोड़े मां नारी के कत्ल जो खदशो जाहिर। टंडो फजल वाले इलाके में नौजवान जेठू आए संदस जाल रानी कोल्ही जल लाश हथाया हुआ। पोस्टमार्टम बाद एमएलओ डॉक्टर वसीम खान चयो तो लगे तो नौजवान जेठू कोल्ही जाल रानी के कत्ल करण बाद आपघात कर पुलिस का वाके में इस्तेमाल थियल रस्यू और बी शूं भी चकास लाए घुराई वन। पिथौरो भरसा गोठ सतों वाटर में पंजाह बरन की मेणी कोल्ही जो फाहो खादल लाश हथायो वारसन पारा वाक्य आपघात करार। चाली पुलिस पारा लखे रुपये की मनशियात हथ अचण वे मामले में मुबैना तौर गलत बयानी करण तसएचओ समेत टे अहलकार मुअत्तल। मामले की जांच कुंडरी के एसएचओ हवाले। कुछ ढीह अग चाली पुलिस कार में लखे रुपये की चर्स हथ कर जवाबदार रिजवान गिश्कोरी के गिरफ्तार किया हो। मुअत्तल थियलन में एसएचओ खुशबक शबाना नाज मुंशी अली बख्श टांडियो अहलकार मोहम्मद एहसान गिश्कोरी शामिल। मुअत्तल थियल एसएचओ के एडिशनल आई जी हैदराबाद मनशियात हथ कर 7 अप्रैल ते इनाम देने का ऐलान किया हो। डॉक्टर ने फोन कराया ने भट्टी साहब फोन कराया था सब डॉक्टर आया था ने जो ऐसा ने जुलम किया था वो ऐसा के चवन ऐसा खड़ी बना हुआ जाते भी चवन ऐसा प्राइवेट में खड़ी बना हुआ ऐसा छाजे ना अस्पताल कहिया बिलावल भुट्टे छाजे ना ठहराया अब हम जरा ठहराया नहीं। गंबटवासी गोठानो फालच सबब लाड़काने के छानका अस्पताल में फौत वारसन जो डॉक्टर्स से लापरवाही जो इल्ज़ाम। साहिबा खातून दायों वाहे तो फालच में मुब्तला गुलाम हुसैन लाशारी के गुजरल रात छानका अस्पताल में दाखिल कराया वो पर दाहूँ करण बावजूद लागापियल डॉक्टर ना आयो जै सबब मरीज तड़पी तड़पी दम दे छो। नोटिस वी सख्त कार्रवाई कई वही। अखरी चौधगी वेझो तेज रफ्तार कार के टक्कर में वाटेड़ो फौत वो फौती नौजवान अयाज गुलाल जो लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस कार तहवील में वी छी टंडो आदम लग ट्रक जो मोटरसाइकिल के टक्कर मोटरसाइकिल सवार पोहरियत थड़े से फौत एक औरत नींगरी जख्मी। पुलिस ट्रक ड्राइवर के गिरफ्तार कर वरतो। कराची के बिलाव कॉलोनी वे इलाके में हथियारबंद हथा खदड़ो फकीर कतुल। पुलिस मौजूद बिन जवाबदार 60 साल के मोहम्मद सादिक के गोलन जो खाज बनाया वाके बाद जवाबदार फरार मकतूल जुलाश अस्पताल मुंतकिल किया वो। घोटकी में एंटी करप्शन टीम जो यूसी अटल मुरादानी की ऑफिस से छापो रिकॉर्ड तहवील में वी छो। सर्किल ऑफिसर अयाज मैमुन मौजूब शिकायत मिली है तो यूसी चेयरमैन 10 साल दौरान करप्शन कई है रिकॉर्ड तहवील में वी जांच शुरू कई है। लाड़काणो वेझो टी जमात जो शागिर्द राइस कैनाल में बुरी फौत वो मासूम नींग फहद हुसैन ब्रिंद कैनाल में कड़े चाणका अस्पताल आंदो वो जिते डॉक्टर संदस मौत की तस्दीक कई वाके बाद मासूम के घर भातन में कोहरा मची वो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन टाइम न्यूज़ सां गॾु आउं आहियां ताहिरा वज़ीर। हेडलाइंस वठी तफ़सीली ख़बरूं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।